दोस्तों हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के वो अल्फ़ाज जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में इंग्लिश बोलने के लिए वो कैबरी की ज़रूरत तो होती ही है लेकिन आज के इस दौर में दोस्तों हम उर्दू बोलते हुए भी इंग्लिश के अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं तो हॉस्पिटल में इंग्लिश के जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स यूज़ करते हैं नर्सिस यूज़ करती हैं या हमें हॉस्पिटल में यूज़ करना पड़ते हैं इस वीडियो में आप तमाम अल्फाज सीखेंगे इन अल्फाज को कैसे बोलना है इन अल्फाज की करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है क्योंकि मेडिकल फील्ड में अक्सर अल्फाज थोड़े से मुश्किल होते हैं तो हम वो अल्फाज कैसे बोलते हैं ये भी आप सीखेंगे हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस सबक को अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं तो चलें दोस्तों आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं क्रोचिस क्रोचिस बेसाखी इस वर्ड को आप ऐसे नहीं बोलेंगे क्रोचिस बल्कि इसकी कुरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी क्रोचिस बेसाखी बैंदेज बैंदेज पट्टी व्हील चेयर व्हील चेयर मफलूज की कुर्सी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ क्लिनिक क्लिनिक छोटा सा हस्पताल एम्बुलेंस एम्बुलेंस दोस्तों आप इस वर्ड को ऐसे प्रनाउंस नहीं करेंगे एम्बुलेंस बल्कि आप इस वर्ड को ऐसे बोलेंगे एम्बुलेंस उर्दू में एम्बुलेंसेंगे हंगामी कमरा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं एमरजेंसी इस वर्ड की कुडेक्ट प्रनाउंसिएशन है एमरजेंसी इमरजेंसी हंगामी कमरा डॉक्टर डॉक्टर उर्दू में आप इसको डॉक्टर ही कहेंगे मैरिसन, मैरिसन दवाई नर्स नर्स इसे उर्दू में नर्स कहेंगे वेटिंग रूम वेटिंग रूम इंतजार वाली जगह अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ मिलने का मुआदा जैसा कि आप कहते हैं आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर अली डॉक्टर अली के साथ आज मेरी मुलाकात है आउट पेशेंट आउट पेशेंट बैरूनी मरीज इसको आप ऐसे समझें दो तरह के मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं एक तो वो जो बहुत सीरियस होता है और उसे वहाँ पे स्टे करना पड़ता है नंबर टू ऐसा मरीज जो वहाँ पे स्टे नहीं करता बल्कि मेडिसिन लेके वापस आ जाता है तो उसे हम कहेंगे आउट पेशेंट चेकअप चेकअप मुआयना करना प्रस्क्रिप्शन प्रास्क्रिप्शन डॉक्टर का नुस्खा ऑपरेशन ऑपरेशन इसे उर्दू में ऑपरेशन ही कहेंगे और जहां पर ऑपरेशन किया जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेटिंग रूम ऑपरेटिंग रूम स्टेटस्कोप स्टैटस्कोप सदरबीन ये सीमाती आला जो आमतौर पर आपको डॉक्टर की नेक में लटका हुआ नजर आता है वॉट वॉट हस्पताल का कमरा थर्मामिर थर्मोमिररर दोस्तों इस वर्ड को भी आमतौर पर गलत बोला जाता है थर्मोमीटर दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आप कहेंगे थर्मामीटर थर्मामीटर उर्दू में इसे थर्मामीटर कहा जाता है इंजेक्शन इंजेक्शन टीका पेशेंट, पेशेंट, मरीज डॉक्टर इज वेयरिंग फॉर द पेशेंट डॉक्टर मरीज का इंतजार कर रहा है डॉक्टर्स ऑफिस डॉक्टर्स ऑफिस डॉक्टर का दफ्तर हॉस्पिटल खॉट हॉस्पिटल खॉट दोस्तों इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल बेड हस्पताल का बिस्तर मिडवाइफ मिडवाइफ दलस्टर क्लस्टर उर्दू में इसी हम कहेंगे प्लस्तर जो कि हम अपने जख्मों पर यूज करते हैं डायग्नोसिस डायग्नोसिस बीमारी का पता लगाने का अमल सर्जरी जिस्मानी तौर पर ऑपरेशन करवाने का अमल कॉल बटन बुलाने वाला बटन हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट अस्पताल की इस्तकबालिया। हॉस्पिटल गाउन हॉस्पिटल गाउन आप यह भी कह सकते हैं हॉस्पिटल यूनिफॉर्म हस्पताल का यूनिफॉर्म दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है आई होप कि आपने हस्पताल से मुतिक इंग्लिश के तमाम वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग्स और साथ में इन अल्फाज को किस तरह आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे से यूज कर सकते हैं और अदा कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपने अच्छे से सीख ली होंगी अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा हो लाइक कीजिए नीचे कमेंट करके आपने हमें ये जरूर बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आपके साथ इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन अल्लाह हाफिज़